अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और दीगर पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर के बाद हम ये जान जाएंगे कि आवाज, वीडियोस और किसी भी पेपर पर मौजूद तस्वीरों को किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी अल्फाजों के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर आवाज को डालने की जरूरत भी पड़ती है। पहले हम कैसेट्स पर आवाज को सेव यानी स्टोर करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर आवाज को डालने के लिए माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन के जरिए हम किसी भी आवाज को ना सिर्फ कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं बल्कि उसको प्रोसेस भी करवा सकते हैं, जैसे कि आवाज को ट्रिम करना, काटना, उसको लाउड यानी तेज करना, आवाज के पीछे कोई म्यूजिक या फिर तस्वीरों को डालना। तो इस तरह की तमाम चीजों को प्रोसेसिंग कहते हैं। आमतौर पर माइक्रोफोन तार के जरिए कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन आजकल वायरलेस माइक्रोफोन्स यानी तार के बगैर माइक्रोफोन भी आ रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरह पानी पर कोई चीज मारने से पानी हर तरफ फैल जाता है और अपने बीच आने वाली हर चीज से टकराता है, बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से साउंड वेव्स निकलती हैं जो पानी की तरह हवा में हर तरफ फैल जाती हैं और अपने दरमियान आने वाली हर चीज से टकराती हैं। तो दोस्तों अगर इस बीच किसी का कान आ जाए तो साउंड वेव्स कान के अंदर जाती हैं और कान के इस तरफ डायफ्राम यानी पर्दा लगा होता है उससे टकराती हैं। पर्दे के बिल्कुल साथ, ये देखें, पर्दे के बिल्कुल साथ एक हड्डी लगी होती है, वो हिलती है तो उसके जरिए एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि ब्रेन को भेज दिया जाता है। ये देखें, ये साउंड वेव्स आ रही हैं और डायफ्राम से टकरा रही हैं और डायफ्राम के साथ ही हड्डी जुड़ी है क्योंकि ये बार बार हिल रही है, तो उसके जरिए से वेव्स बन रही हैं जो कि सिग्नल जनरेट कर रही हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा क्योंकि माइक्रोफोन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो तब्दील करता है साउंड एनर्जी यानी आवाज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी ऐसी फॉर्म में जिसको कंप्यूटर समझ सके। ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइस होती है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील करती है। तो दोस्तों जब साउंड वेव्स माइक्रोफोन से टकराती हैं तो जिस तरीके से हमारे कान का पर्दा लगा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से माइक्रोफोन में भी एक डायफ्राम लगा होता है। साउंड वेव सबसे पहले डायफ्राम से टकराती है और डायफ्राम के पीछे बिल्कुल इसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। जब डायफ्राम हिलता है तो इसके साथ ये इंस्ट्रूमेंट्स भी इस हड्डी की तरह हिलते हैं और हिलने की वजह से वो ऑडियो सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये देखें, इस तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा तरीकेकार था कि माइक्रोफोन आवाज को किस तरीके से ऑडियो सिग्नल्स में तब्दील करती है। आइए हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आवाज किस तरीके से प्रोसेस की जाती है। दोस्तों हमारी आवाज एनालॉग सिग्नल्स यानी वेव्स पर मुश्तमिल होती है और कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो वो वंस और जीरोस पर काम करता है, यानी कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पर प्रोसेसिंग करता है। तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करने के लिए एक सर्किट लगाया जाता है जिसका नाम है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और बिल्कुल इसी तरह डिजिटल सिग्नल्स को आवाज में तब्दील करने के लिए एक सर्किट लगाया जाता है जो इसके बिल्कुल उलट काम करता है जिसका नाम है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो दोस्तों जब माइक्रोफोन के जरिए हमारी आवाज कंप्यूटर के अंदर जाती है तो वो सबसे पहले ADC सर्किट से गुजरती है और ADC सर्किट से गुजरने के बाद वो डिजिटल सिग्नल में तब्दील हो जाती है। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद अगर आप अपनी आवाज को दोबारा स्पीकर्स के जरिए सुनना चाहते हैं तो वो DAC सर्किट के जरिए एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि माइक्रोफोन के अंदर आवाज किस तरीके से जाती है और
माइक्रोफोन के जरिए जाने वाली आवाज को कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में आवाज के साथ साथ तस्वीरों को भी कंप्यूटर के अंदर डालने की जरूरत पड़ती है। तस्वीरों को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में तरह तरह के कैमराज इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जब हम तस्वीर लेते थे तो वो तस्वीर रील पर छप जाती थी और हर तस्वीर के साथ हमें रील को लपेटना पड़ता था, क्योंकि रील पर एक केमिकल लगा होता था और जब उस पर लाइट पड़ती थी तो वो लाइट के जरिए आने वाली तस्वीर को कैप्चर यानी खींच लेता था और रील पर छाप देता था। एक बार रील पर तस्वीर छप गई तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता था और उसको मिटाने के लिए उस रील को फेंकना पड़ता था और दोबारा से नई रील बनानी पड़ती थी। लेकिन अब डिजिटल कैमरास के जरिए ना सिर्फ हम बार बार तस्वीरों को ले सकते हैं बल्कि जब चाहें उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल कैमरा क्या होता है। डिजिटल कैमरा तब्दील करता है आने वाली लाइट एनर्जी को यानी इमेज को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, यानी ऐसी फॉर्म में जिसको कंप्यूटर समझ सके। आइए हम जानते हैं कि डिजिटल कैमरा किस तरीके से काम करता है। जब हम डिजिटल कैमरे पर मौजूद बटन को प्रेस करते हैं ताकि तस्वीर ले सकें तो एक अपर्चर यानी दरवाजा खुलता है और लाइट एनर्जी लेंस के जरिए इमेज को लेकर अंदर आ जाती है। यहां तक ये बिल्कुल पुराने कैमरास की तरह काम करता था, लेकिन इनके अंदर रील के बजाय एक चिप लगी होती है और लाइट के जरिए आने वाली तस्वीर उस चिप के ऊपर कैप्चर हो जाती है। वो उस तस्वीर को फिर कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में एक लाइट डिटेक्टर के जरिए, जिसका नाम है चार्ज कपल डिवाइस। तो दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें फिर मेमोरी कार्ड में स्टोर कर दी जाती हैं और कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है। ये तरीके कार था एक किसी भी इमेज को फोटो में कन्वर्ट करने का तरीके कार। दोस्तों, आइए अगली इनपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं। वो तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए किसी भी पेपर या फिर पेज पर मौजूद तस्वीर, अल्फाज या फिर नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर डाला जा सके, वो स्कैनिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। स्कैनर किसी भी इमेज को, किसी भी पेज को अपने अंदर डालता है और डालने के बाद उसे शुरू से लेकर आखिर तक लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद जिस भी चीज की आपको जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी अल्फाज हो या फिर तस्वीर हो, उनको स्कैन करके यानी निकाल के कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। इसके बहुत से फायदे हैं क्योंकि हम पेज पर मौजूद किसी भी चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते, और तब्दीली करने की वजह से वो पेज खराब भी हो सकता है। लेकिन जब हम उस पेज को कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं तो ना सिर्फ हम उसको देख सकते हैं बल्कि उसके अंदर बआसानी तब्दीली भी कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह की स्कैनिंग डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है बारकोड रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OMR, MICR, इमेज स्कैनर और फैक्स मशीन। तो आइए इन सबको बारी बारी पढ़ते हैं। बारकोड रीडर किसी भी प्रोडक्ट यानी चीज पर मौजूद इस तरह के स्टिकर को बारकोड कहा जाता है और इन स्टिकर के पीछे मौजूद इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो बारकोड रीडर्स कहलाती हैं। बारकोड रीडर्स को सबसे पहले चिंगम की एक कंपनी ने 1974 में इजाद किया था। ये फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर्स होते हैं, यानी ये एक फोटो इलेक्ट्रिक लाइट फेंकते हैं जिसके जरिए इन बारकोड के पीछे मौजूद इंफॉर्मेशन यानी किसी भी प्रोडक्ट का साइज, उसके प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और दूसरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, तो किस तरीके से किसी भी लेजर गन की तरह दिखने वाली मशीन किसी स्टिकर पर फेरने से उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जा सकती है? तो दोस्तों, ये जो लाइंस बारकोड पर नजर आ रही हैं, तो ये ब्लैक लाइन यानी काली लाइन जीरो
और वाइट लाइन यानी सफेद लाइन वन को रिप्रेजेंट करती है और इन काली और सफेद लाइनों के जरिए वन और जीरोस पर मुश्तमिल नंबर्स बनाए जाते हैं। वो नंबर्स उन उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो दोस्तों, इसका ज्यादातर इस्तेमाल फूड स्टोर्स या फिर मार्ट पर किया जाता है कि जब प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड मारा जाता है तो उन प्रोडक्ट्स के पैसे कंप्यूटर को दे दिए जाते हैं और कंप्यूटर बिल बनाकर आपको दे देता है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये किसी भी लफ्ज को पहचानता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने दोस्त को कोई ईमेल करनी है, एक लेटर जो कि आपके हाथ में मौजूद है, तो आप रीटाइप करेंगे, उसको टाइप करके अपने दोस्त को भेज देंगे। लेकिन अगर मैं उस तरीके के 100 लेटर्स आपको बोलूं कि अपने दोस्त को दें, तो क्या आप 100 लेटर्स को टाइप करेंगे? तो इस पर काम आती हैं OCR डिवाइसेस। OCR डिवाइसेस के जरिए किसी भी पहले से मौजूद पेज पर कोई लव्स, अल्फाज, नंबर्स कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं। ना सिर्फ अल्फाजों को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, बल्कि जिस तरीके से आप अपनी डायरी पर नोट्स बनाते हैं, यानी ये आपकी हैंडराइटिंग को भी कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में डाल सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक छोटी सी स्कैनिंग डिवाइस जो कि OCR के सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल है, एक लाइन को स्कैन कर रही है और स्कैन करते ही आप इस मोबाइल के अंदर वो तमाम अल्फाज जो इस डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में दिखा रही है, यानी टेक्स्टुअल फॉर्म में दिखा रही है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि OCR डिवाइसेस किस तरीके से काम करती हैं। OCR डिवाइसेस के अंदर उनकी डिक्शनरी में तमाम अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल स्टोर कर दिए जाते हैं। जब आप किसी भी प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट यानी किसी भी पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को OCR डिवाइसेस में डालते हैं, तो OCR डिवाइसेस उनको करेक्टर बाय करेक्टर यानी लव्स बाय लव्स स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट में मौजूद करेक्टर को अपनी डिक्शनरी में मौजूद करेक्टर से मिलाती है। अगर वो मिल जाता है तो उसको अपनी डिक्शनरी में मौजूद लफ्ज से तब्दील कर देती है और इस तरीके से ये पूरे पेज को करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करके टेक्स्चुअल फॉर्म में तब्दील कर देती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल गूगल के लैंग्वेज कन्वर्टर्स, डिक्शनरीज, इमेज टू वर्ड और पीडीएफ कन्वर्टर्स में किया जाता है। OMR डिवाइसेस, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये मार्क यानी निशान को पहचानता है और पहचानने के बाद उसके पीछे दी गई इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को दे देता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल आइल्स, जीआरई या फिर दूसरे एग्जाम्स में किया जाता है। ये पहचानता है कि कहां पर निशान मौजूद है और कहां पर निशान मौजूद नहीं है। तो जब हम इस तरह के पेज को OMR डिवाइसेस से गुजारते हैं तो OMR डिवाइस एक लाइट बीम फेंकता है जो कि इन मार्क से पास हो जाती है, यानी वो लाइट बीम सिर्फ इन सर्कल्स के अंदर से गुजर सकती है और गुजरने के बाद इनके पीछे दी गई इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को दे देती है और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन के जरिए रिजल्ट निकालता है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये खास किस्म की इंक से बनाया जाता है जिसको मैग्नेटिक इंक कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा महफूज और बगैर गलती की टेक्निक है, यानी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए इसको ज्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि चेक के नीचे इस तरीके का कोड होता है, ये कोड मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और इस कोड के पीछे दी गई इंफॉर्मेशन को MICR डिवाइसेस से निकाला जाता है। जब हम इस चेक को MICR डिवाइस से गुजारते हैं तो MICR डिवाइस इस कोड के पीछे मौजूद ब्रांच कोड, बैंक का कोड, अकाउंट नंबर, चेक नंबर और दूसरी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को दे देता है। इमेज स्कैनर, इमेज स्कैनर किसी भी फिजिकल तस्वीर यानी किसी भी छू जाने वाली तस्वीर, किसी भी अखबार, डॉक्यूमेंट या और किसी पेपर पर मौजूद तस्वीरों को स्कैन करके कंप्यूटर को दे देता है।
जब हम इस तरह की कोई भी तस्वीर या फिर डॉक्यूमेंट को स्कैनर पे डालते हैं तो इसको स्कैनर के इस जगह पे रखा जाता है जिसको एक फ्लैट ग्लास प्लेट कहा जाता है। इस ग्लास प्लेट के नीचे से एक लाइट निकलती है जो एक लाइन से दूसरी लाइन और दूसरी से तीसरी और इस तरीके से पूरे पेज को आखिर तक स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी तस्वीर को कंप्यूटर को दे देती है। इमेज स्कैनर्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है फ्लैटबेड। फ्लैटबेड फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है और इसके अंदर से भी एक लाइट निकलती है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद इसको कंप्यूटर को दे देती है, यानी उसके अंदर मौजूद तस्वीर को कंप्यूटर को दे देती है। शीट पैड ये प्रिंटर की तरह होता है और इसके अंदर पूरे पेज को डाला जाता है और पूरे पेज पर अगर कहीं भी तस्वीर मौजूद होती है तो ये उस तस्वीर को कंप्यूटर के अंदर डाल देता है और कंप्यूटर हमें वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा देती है। हैंडहेल्ड ये बिल्कुल बारकोड रीडर की तरह होता है और हाथ के जरिए किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है और स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट पर मौजूद किसी भी तस्वीर को कंप्यूटर के अंदर यानी डिजिटाइज्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है। आइए अगली स्कैनिंग डिवाइस को समझते हैं, फैक्स मशीन। इसको पढ़ने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। अगर आपके पास एक पेज मौजूद हो जो ब्लैक यानी काले और सफेद डॉट्स पर मुश्तमिल हो और वो पेज आपको अपने दोस्त को भेजना हो तो आप अपने दोस्त को फोन करेंगे और उसे एक खाली पेज के ऊपर बताएंगे कि पहले ब्लैक डॉट, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक और इस तरीके से पूरे पेज पर मौजूद काले और सफेद डॉट्स का उसे बता देंगे और आखिर में उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही पेज मौजूद होगा जो कि आपके हाथ में मौजूद होगा। तो दोस्तों फैक्स मशीन भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। फैक्स मशीन दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक होता है सेंडिंग पार्ट जिसके जरिए फैक्स को भेजा जाता है और दूसरा होता है रिसीविंग पार्ट जिसके जरिए भेजा हुआ फैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों फैक्स मशीन भी काले और वाइट रंग पर काम करती है। इसका सेंडिंग पार्ट बिल्कुल स्कैनर की तरह होता है, यानी वो एक लाइन को एक वक्त में स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक पल्स पर, जैसे कि आपने अपने दोस्त को फोन लाइन पर बताया था, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक पल्स के जरिए फोन लाइन पर रिसीविंग पार्ट को फैक्स भेज देता है। दोस्तों मार्केट में अलग अलग तरह की फैक्स मशीन होती है। कुछ कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं और कुछ डेडिकेटेड यानी अलग से भी आती हैं। दोस्तों इसका अब इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ दो रंगों पर काम करता है। तो ये था तमाम प्रोसीजर जो कि फैक्स मशीन एक फैक्स को भेजने के लिए करता है। दोस्तों यहाँ तमाम डिवाइसेस एंड हुई। अगले लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।